कुछ पर आपके मोहल्ले में आपको कांग्रेस का सिपाही बनकर बूथ का कार्यकर्ता बनकर तब तक काम करना है जब तक वोट पड़े। मैं आपको भरोसा देता हूं, जातियों को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जातियों को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुख्यमंत्री ने भी एक बयान दिया कि जात और राजपूत में झगड़ा है, जात और राजपूत में कोई झगड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आपके मन में कभी नहीं है, आप गांव में जातियों को लड़ाकर राज करना चाहते हो, आपकी भावना कभी भी सफल नहीं होगी। हमारा जात के राजपूत का, ब्राह्मण या बड़िए का, एससी या एससी का, मुसलमान या सिख का कोई झगड़ा नहीं है। हमारा नेता राहुल गांधी क्या कहता है, राहुल गांधी कहता है तिरंगा मेरी आन बान और शान है, तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा है तो मैं हूं, तिरंगा है तो हिंदुस्तान है। उस राहुल गांधी की पार्टी, इसलिए आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में यहां पर आए हैं। मैं रघु जी सही कह रहा, आज माइक घरों पकड़ लिए, कोई बात तो नहीं, आदरणीय बंसल साहब बोलेंगे। आप सबसे कहूंगा, हाल सब में अच्छे ही बैठे रहे हैं, बंसल साहब 15-20 मिनट बोले, कांग्रेस के समर्थन में काम करने के लिए भरोसा दिलाए, दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके खड़ा रखो, थोड़ी देर हाथ को निशान ही करे यार। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, आप सबने दोनों हाथ खड़े किए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि याचना नहीं अपहरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा, पर बीजेपी का अंत होगा। दोनों हाथ खड़े किए हैं, हिंदुस्तान में लोग भारत के बेटों को सिर्फ एक बात के लिए जानते हैं, सदा चलिए प्राण जय पर वचन ले जाए। आप लोगों ने वचन दिया, आप वचन निभाना, हम जवान देते हैं। आपका व्यक्तिगत से लेकर पारिवारिक से लेकर सामूहिक से लेकर सारा काम करना, चाहे हमें लड़ना पड़े मरना पड़े, वो जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनानी है और भाजपा को खत्म करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रताप सिंह जी।